आइए दोस्तों, अब हम जो याद करने वाले हैं पाठ और लेखक के नाम वर्णिका से, ठीक है। तो एक तरफ पाठ के नाम है और एक तरफ लेखक के नाम है, ठीक है। और इसमें ये भी जानेंगे कि कौन कौन से पाठ किस किस भाषा में लिखा गया है, ये सारा का सारा ट्रिक से हम समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देख सकते हैं दही वाली मगम्मा। मगम्मा जो थी वो दही वाली थी, वो क्या करती थी बेचारी, माथा पे तौला लेकर के या दही लेकर के वो घूम घूम के बेचती थी। क्या करती थी? घूम घूम के बेचती थी। लेकिन कहाँ बेचती थी? तो जहाँ लोग निवास करते थे। निवास यानी रहना, तो जहाँ लोग निवास करते हैं, है ना। यानी दही वाली मगम्मा जो थी वो जहाँ लोग निवास करते वहाँ जाके बेचती थी। और निवास, निवास जब ही आया लास्ट में तो समझ जाओ कि श्रीनिवास, है ना। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हुए? श्रीनिवास। और बेचारी दही बेचते बेचते वो क्या करते थी? तो कान में दही लगा लेती थी। अब जब कान में दही लगा ली तो कान से रिलेट करो कन्नड़ से, तो ये भाषा हुआ कन्नड़। यानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया दही वाली मगम्मा। आपने समझ लिया बिल्कुल रापची के स्टाइल में, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे पूछेंगे दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? ओ कही दही वाली बेचारी दही बेचती थी, और जहाँ जहाँ लोग निवास करते थे वहीं जाके वो बेचती थी, है ना। तो निवास जब ये कहता श्रीनिवास, है ना। अब बेचते बेचते बेचारी कान में लगा लेती दही, और कान से रिलेट करो कन्नड़, तो ये हो गया भाषा कन्नड़, है ना। कन्नड़ भाषा में लिखा गया। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ढहते विश्वास। ओहो, ढहते विश्वास, विश्वास ढह गया मतलब विश्वास तुम पर से उठ गया। अगर लड़कियां सबको देखते हैं जब विश्वास टूट जाएगा कोनो लड़का पे तक गाली देगी, जा तू सात जन तक कोरी हो जाएगी, तुझे कोरी फूट जाएगा। लड़कियां ससरी गाली देती है, हाँ गाली उसे कुछ नहीं होता है। हम तो ट्रिक आजमाएंगे, है ना। ढहते विश्वास यानी विश्वास ढह गया, विश्वास गिर गया। तो कोई प्रेमिका है वो किसी को गाली दे रही कि जा तू सात जन तक कोरी हो जाएगी, है ना। सात जन्म तक, तो सात जन कोरी, तो सात कोरी होता, है ना। जब ये सात जन तो कोरी, सात कोरी होता। ट्रिक आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ढहते विश्वास। अच्छा अब इसका भाषा देखो, विश्वास ढह गया मतलब मेरे माइंड से विश्वास जो है ना उड़ गया, अब तुम पर से विश्वास उठ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ को रिलेट करो उड़िया से, तो उड़िया भाषा, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं ना दिक्कत है भैया, जब ही ढहते विश्वास, ओ विश्वास ढह गया इस पर से, जा तुझे मैं सात जन्म तक याद नहीं करूंगा या कोई शराब दे दूंगा कि सात जन्म तक तू कोरी हो जाएगा। सात जन्म कोरी, जन को हटा दो, सात कोरी अब लगा दो, होता सात कोरी होता, ऐसे ही याद हो जाएगा, सिंपल, है ना। आहा, माँ, माँ, माँ पाठ के लेखक कौन है? माँ तो भैया ईश्वर के समान होती है ना, होती है कि नहीं है? होती है? होती है, माँ ईश्वर के समान होती है। इसलिए ईश्वर जब ही कहते ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर आ गया ना। माँ जब भी के, ओ माँ तो ईश्वर की समान होती है, ईश्वर पेटलीकर। अब हम जानते हैं किस भाषा की, माँ जो है वो गुजर करके ईश्वर के पास चली गई, है ना। माँ तो ईश्वर के समान होती है, अब इसको रिलेट करेंगे, माँ गुजर गई, मर गई, ठीक है, ऊपर वाले ईश्वर के पास चली गई, गुजर गई, गुजर को रिलेट करो गुजराती से, रिलेट कर दो, तो हो गया ना गुजराती, ठीक है। किस भाषा में लिखी? गुजराती में। आया ना समझ में? आ रही ना ट्रिक? आइए नगर। ओ हो, बहुत अच्छा। नगर में कोई सुजाता नाम की लड़की है और बहुत तमीज से बात करती है, याद रखना, जब ही कहे नगर, ओ नगर, नगर में कोई सुजाता नाम की लड़की है और बड़ा तमीज से बात करती है। और जब ही कहे सुजाता तो हो गया नगर का लेखक कौन? सुजाता। और तमीज से बात करती, तमीज को रिलेट करो तमिल से, यानी वो तमिल भाषा हो गया, हाँ समझ में आए ना। तो देख लीजिए नगर तक समझ जाना कि वो सुजाता है, हमारी मतलब लड़की है जो बड़ा तमीज से बात करती है, और तमीज को रिलेट करो तमिल से, तो हो गया तमिल भाषा में लिखा गया है ना। तो नगर का सुजाता, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, धरती कब तक घूमेगी। अब देखिए कहता धरती कब तक घूमेगी, अब याद रखिए, जब ही कहा धरती कब तक घूमेगी, जब तक लड़कियां सवर करके दया दया करती रहेगी तब तक तो धरती घूमता रहेगा, है कि नहीं, मैं सही कह रहा हूं। अब बताइए लड़कियों का सवरना दया दया करना कभी बंद होने वाला है? नहीं ना। तो उसी तरीके से धरती जब तक घूमेगी, धरती कभी बंद होने वाला, घूमता ही रहेगा, है ना, उसी तरीके से लड़की क्या है, सवर के दिया दिया करती ही रहेगी, ठीक है। तो धरती कब तक घूमेगी, जब तक लड़कियां सवर के दिया दिया करती रहेगी, है ना। तो सावर दैया, धरती कब तक घूमेगी, तो सावर दैया, है ना। आ सावर दैया यानी लड़की जो है दिया दिया करती सवर के, आ जब वो सवरती है तो पता है ना किसी के दिल में वो राज कर लेती है, राज से करे तो राजस्थानी, तो ये हो गया राजस्थानी भाषा, है ना, समझे।
धरती कब तक घूमेगी? तो लड़कियां सवर के जब तक दैया दैया करती रहेगी, तो सवर दैया, ठीक है, सावर दैया, आ सावर दैया हो गया। आ लड़कियां जब संवर जाती है तो क्या करती है? सभी के दिन में राज कर लेती है। आ राज से याद रखो राजस्थानी, आ गया ना, बिल्कुल पूरा याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।